नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए एक माइक्रोमैक्स का सेट। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक सेट है माइक्रोमैक्स Q450 और इसमें हमारा ये पैटर्न लॉक लगाकर हम भूल गए हैं। इसको हम किस प्रकार से रिमूव करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम ये हमारा पैटर्न लगा के भूल गए हमारे माइक्रोमैक्स Q450 में। तो इसका पैटर्न हम किस प्रकार से रिमूव करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मोबाइल है माइक्रोमैक्स Q450। इसका हम ये पैटर्न किस प्रकार से रिमूव करेंगे, सबसे पहले हमें इसको स्विच ऑफ करना है। हमें स्विच ऑफ कर देना हमारे मोबाइल को। स्विच ऑफ होने के बाद में दोस्तों, हमें हमारा स्विच ऑफ होने के बाद में दोस्तों, हमें हमारा वॉल्यूम अप बटन और ऑन ऑफ बटन को एक साथ प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें वॉल्यूम अप बटन और ऑन ऑफ बटन को एक साथ प्रेस करना है और प्रेस करके रखना है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। और हमें ऑन ऑफ बटन को छोड़ देना है माइक्रोमैक्स आने के बाद में, और हमें वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके ही रखना है। जैसे ही हमारे सामने ये आ जाएगी, हमें वॉल्यूम बटन को भी छोड़ देना है। और ये देखिए, हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से विंडो आ जाएगा। हमें वॉल्यूम डाउन बटन की सहायता से इसको थर्ड ऑप्शन पर आना है, फर्स्ट थर्ड। ये देखिए, हमें वेब डाटा ऑब्लिक फैक्ट्री रीसेट के ऊपर आना है। ये देखिए दोस्तों, हमें थर्ड ऑप्शन पर आना है और हमें वॉल्यूम ऑन ऑफ बटन से इसको ओके करना है। हम ऑन ऑफ बटन से इसको ओके करेंगे, हमारे सामने नया स्क्रीन ये खुल के आ जाएगा। हमें फिर वॉल्यूम डाउन बटन की सहायता से नीचे आना है। हम नीचे आएंगे, यस डिलीट ऑल यूज़र डाटा के ऊपर हमें आना है। जी हाँ दोस्तों, हमें यस डिलीट ऑल यूज़र डाटा के ऊपर आना है और हमें ऑन ऑफ बटन की सहायता से इसको ओके कर देना है। हम जैसे ही ओके करेंगे, हमारा ये फॉर्मेटिंग चलेगी और हमें वेट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों, हमारे सामने फिर से वही विंडो आ जाएगी। तो हमें सबसे टॉप में रिबूट सिस्टम नाउ के ऊपर आकर हमें ऑन ऑफ बटन की सहायता से इसको ओके कर देना है। तो हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होगा माइक्रोमैक्स। ये देखिए हमारा आ गया और हमारा फर्स्ट टाइम बूट हो रहा मोबाइल। तो हमारे इससे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, तो तब तक हमें कुछ भी नहीं इसमें गतिविधि करनी है डेस्कटॉप के आने तक, तब तक हमें केवल वेट करना है दोस्तों। हमें केवल वेट करना है डेस्कटॉप के आने तक का। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये मोबाइल ऑन हो रहा है
और ये एंड्रॉयड इज अपडेटिंग हमारी आ रही है, हमें ये वेट करना है जब तक हमारी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो जाती है सारी। ले लिया तुम 35 रुपए। मैं बोल रहा हूँ सिम डालना हो, वो काम नहीं बैठा भैया वहाँ पे गणपति प्लाजा भी नहीं बैठा। वो हुआ क्या, पीसी से कनेक्ट करके किया ना तो ना तो फोन की रैम में से डिलीट हुआ था वो, और पीसी की रैम में तो रहता ही नहीं वो, ये यूएसबी से करना है तो कहीं नहीं रहा वो डाटा, कोई सिस्टम फाइल मिल गई थी। पर मिलना हुआ जयपुर के सबसे तगड़े उससे, क्या कहते हैं इस मामले का जो एक्सपर्ट था ना, जिसके पास भी गया ना जिस सोपड़े पास, एक ही आदमी का नाम बताया उन्होंने, तो उसके पास पहुंचा और वो बोला कि अगर ये आदमी नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाया, और हुआ भी नहीं फिर किसी से भी। ये देखिए दोस्तों हमारी एंड्रॉइड अपडेटिंग सक्सेसफुली हो गई है और हमारी ये फिनिशिंग आ रही है, फिनिशिंग बूट लिखा हुआ आ रहा है, हमें वेट करना है। ये देखिए हमारा फिनिशिंग हो गया, अब हमें वेट करना हमारे डेस्कटॉप के आने तक का। ये देखिए हमारा दोबारा से रिस्टार्ट हो गया, कैनवास सिल्वर लिखा हुआ आ रहा है, हमें वेट करना है। हमें दोस्तों इसमें चार्जर इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो हम इसमें चार्जर इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, कैनवास सिल्वर लिखा हुआ आ रहा है, और ये देखिए हमारा ये ऑप्शन आ गया, हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है, हमारी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, स्किप कर देना है, फिर ये हमारे वाईफाई के लिए बोल रहा है स्किप कर देना है, स्किप एनीवे, नेक्स्ट, फिर हमें नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, मोर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। और ये देखिए दोस्तों हमारा ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, ये देखिए। अब हम आपको चेक करा देते हैं लॉक करके, ये हमने लॉक किया है इसको, अब हम इसको अनलॉक करते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी या पैटर्न हमसे किसी प्रकार का पिन वगैरह किसी प्रकार का कोई भी कन्फर्म नहीं कर रहा है, हमने लॉक किया और ये हमारा लॉक बहुत ही ईजिली हमारा ओपन हो रहा है। हम आपको मॉडल और चेक करा देते हैं कि कौन सा मॉडल हमारा ये, हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं, और ये देखिए दोस्तों हमारा मॉडल है माइक्रोमैक्स Q450। जी हाँ दोस्तों हमारा ये मॉडल है माइक्रोमैक्स Q450, माइक्रोमैक्स Q450। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे माइक्रोमैक्स Q450 के पैटर्न लॉक को अनलॉक किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे
तो सबसे पहला इंटीमेशन आपको मिलेगा और आप हमारा वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे।